दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस रोग की बात करने वाले हैं, उस रोग में हमारे दुधारू पशु को, उसमें भी जो दुधारू पशु ज़्यादा दूध उत्पादन करता है, उसे ये रोग होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। ये रोग गंदी जगहों पर घूमने वाले पशु या फिर अस्वच्छ जगहों पर रहने वाले पशु को ज़्यादा होता है। अगर हमारे दुधारू पशु को जिस जगह पर रखा गया है वो जगह क्लीन नहीं होती या फिर उसे समय समय पर साफ नहीं किया जाता, तो वहाँ रहने पर रहने वाले दुधारू पालतू पशु को ये रोग होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। दोस्तों, अगर हमारा पशु बार बार पानी से भीगता रहता है या फिर उसके रहने की जगह अन्य जगहों से बहुत ठंडी है, तो ठंडी जगहों में रहने से भी ये रोग ज़्यादातर हो सकता है। दोस्तों, इस रोग का मुख्य कारण स्टेफिलोकोकस ओरियस नामक बैक्टीरिया है या फिर एस्चेरिचिया कोलाई नामक यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया है या स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस नामक बैक्टीरिया होता है, और अन्य कई पैथोजेंस को भी इस रोग का रोग कारक माना गया है। अगर हमारे पशु के बावले या थन में किसी भी प्रकार का घाव हुआ है और उसे एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ नहीं किया गया या फिर घाव भरने तक उसकी देखभाल नहीं की गई है, तो भी उस पशु को ये रोग होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके अलावा बछड़ा दूध पीते समय अगर वहाँ पे घाव कर देता है तो भी पशु को ये रोग होने का खतरा रहता है। दोस्तों, दुधारू पशुओं में होने वाले इस रोग से पीड़ित पशु को बहुत तकलीफ होती है और वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, और उसके कारण उसका दूध धीरे धीरे कम होने लगता है, और दूध कम होने के कारण किसान भाइयों और पशुपालकों को बहुत ही बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अब हम इस रोग के लक्षणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कोई भी रोग बिना लक्षण दिखाए नहीं होता है। कोई ना कोई एक्टिव या पैसिव लक्षण हमें पशु में दिखाई ही देता है। जैसे कि दुधारू पशु का दूध दोहते समय अगर पशु के थन में सूजन जैसा कुछ दिखता है, या फिर थन को छूने पर थन गर्म लगता है, या फिर थन का तापमान नॉर्मल से कुछ अलग महसूस होता है और पशु के थन में पीड़ा महसूस होती है, तो ये लक्षण बावले के रोग का हो सकता है। अगर सूजन या गर्मी महसूस ना हो पर हमें दूध के रंग में कुछ ऐसा बदलाव दिखे जो नॉर्मल ना हो, जैसे कि दूध का कलर हल्का सा लाल या हल्का सा पीला हो गया हो, तो भी ये लक्षण बावले के रोग के हो सकते हैं। दूध के दोहने पर दूध में बीच बीच में कतरे या थक्के जमे दिखे, या फिर दूध में खून जैसा कुछ हो, या फिर दूध फोंदे जैसा या फिर पतला पानी जैसा निकले, तो भी ये लक्षण बावले के रोग यानी कि थनेले के हो सकते हैं। अगर हमें लगे कि पशु का दूध दोहते समय पशु को बावले में दर्द महसूस होता है, तो भी ये लक्षण थनेला का हो सकता है। अगर हम इस रोग के शुरुआत के लक्षण को नहीं पहचान पाते और रोग आगे बढ़ता है और समय बीतने पर दुधारू पशु के थन में थोड़ी सी कठोरता आ जाती है और पशु का दूध बहुत ही कम हो जाता है। अगर हम इस रोग को शुरुआत में ही पहचान लें और जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा दें, तो हम इस रोग से हमारे पशु को होने वाली पीड़ा व शारीरिक नुकसान से बचा सकते हैं। ऐसे ही हम हमारे पशुपालकों को भी आर्थिक नुकसान होने से बचा सकते हैं। अब हम इस रोग को रोका कैसे जाए इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये रोग हमारे पशु को ना हो, तो सबसे पहले हमें हमारे पशु को जिस जगह पर रखना है उसे स्वच्छ या क्लीन रखना होगा, और जगह ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पशु को ज़्यादा गर्मी या ठंड ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा गर्मी और भेजयुक्त वातावरण में इस रोग के कारक बैक्टीरिया का उपद्रव ज़्यादा होता है।
अगर पॉसिबल हो तो पशु को रात्रि दरमियान और दिन के दरमियान रखने की जगह अलग अलग रखें, जिससे कि उसको अच्छी तरह से साफ रखा जा सके। इस जगह पे समय समय पे चूने पाउडर का छिड़काव करते रहना उचित रहेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे ये रोग के बैक्टीरिया है तो उसे मारा जा सके। अब हम जानेंगे कि दूध को दोते समय हम क्या क्या सावधानियाँ रखें कि जिससे ये रोग पशु को न हो। दूध दोने से पहले जो व्यक्ति दूध दोने वाला है वो अपने हाथों को साबुन, डेटोल या फिर स्वच्छ पानी से धो ले, वैसे ही अपने पशु के थन को भी स्वच्छ और थोड़े गर्म पानी से अच्छी तरह से साफ कर ले। निकाले गए दूध को आप जिस पात्र या साधन या बर्तन में रखने वाले हैं वो भी बहुत अच्छी तरह क्लीन होना चाहिए। दूध दोहने की शुरुआत करने से पहले हर एक छिमी में से दूध की 2 से 3 धार अलग दोहे, जिससे कि हम चेक कर सके कि निकाले गए दूध में तो कोई तकलीफ नहीं है ना। अगर दूध में तकलीफ दिखती है तो फिर दूध को और पशु को अलग कर रखे और पशु की जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करवा दे। अगर किसी भी छिमी में रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपके पास रहने वाली इस रोग की दवाई का छिड़काव तुरंत करें। रोग के लक्षण दिखने पर पशु और दूध दोनों को स्वस्थ पशु से अलग कर ले। दूध दोहन की प्रक्रिया जल्द से जल्द यानी कि 7 से 8 मिनट में ही पूरी कर ले, जिससे कि बावले में दूध ना रहे और दूध का उत्पादन ज़्यादा हो। मगर ये ध्यान रखें कि बावले पर कोई भी तरह की जख्म या इजा ना पहुँचे। दूध दोहन की प्रक्रिया सिर्फ उंगलियां या फिर हथेली से ही करें, उसमें अंगूठे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि अंगूठे में ज़्यादा प्रेशर रहता है और उस प्रेशर के कारण उस पशु के थन के छिमी में नुकसान होने का खतरा रहता है। पशु में दूध दोहन के बाद उसके बावले को और दोहने वाले व्यक्ति के हाथों को स्वच्छ पानी से धो लेना उचित होगा। अगर आपको आपके पशु में इस रोग के लक्षण दिखते हैं तो अपने पशु को स्वस्थ पशु से तुरंत ही अलग कर ले और बीमारी वाले भाग को अंत में दोहे और पशु की छिमी को मंद पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से या फिर सांप किट स्प्रे या फिर बाजार में उपलब्ध किसी भी लिक्विड स्प्रे से स्प्रे करके साफ और जंतु मुक्त करें। दोहन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पशु कम से कम आधे घंटे के लिए खड़ा रहे, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पशु को चारा या फिर कुछ और खाने के लिए दे, क्योंकि दोहन के बाद पशु की छिमी थोड़ी देर खुली रहती है और उसमें बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। पशु के बियांत के 1 महीने पहले हो सके तो पशु के रहने की जगह पर 1.5 फीट तक रेती डाले और समय समय पर उस रेती को बदलते रहे। अब कुछ घरेलू या अन्य उपयोगी नुस्खों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ठंडी की सीजन में छिमी में अगर चीरे पड़ गए हैं और चमड़ी सूख गई है तो मक्खन और हल्दी का लेप बना के लगाने से पशु को बहुत ही फायदा होगा। अगर पशु के दूध में कुछ गड़बड़ दिखती है तो आपको जल्द से जल्द उस पशु की ट्रीटमेंट शुरू करवा देनी चाहिए और साथ ही साथ 15 से 20 लींबू का जूस बनाकर दिन में 2 से 3 बार पशु को पिलाने से पशु को बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होगा। गाय
और भैंस जैसे पशु के बियांत के समय अगर पशु के बावलों में सूजन जैसा दिखता है तो बावले को नीचे से ऊपर की तरफ घिसने से या फिर मालिश करने से और साथ ही साथ उस पर ठंडे पानी का छिड़काव करने से पशु को तुरंत ही राहत मिलती है। पीड़ित पशु का दूध उपयोग में ना ले और उसे बेचे भी नहीं। इस बीमारी को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए इस बीमारी की ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू करवा देनी चाहिए और साथ ही साथ उसे हर रोज योग्य मात्रा में मिनरल मिक्सचर को खाने के साथ मिलाकर देना चाहिए और पशु को पूरी तरह से स्वच्छ रखना चाहिए। पशु को इस रोग से बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये रोग पशु और उसके पालक दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम इस रोग की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। हमने आगे जाना कि ये बीमारी गंदी जगहों पर पनपने वाले बैक्टीरियाओं से होती है। दोस्तों, ये रोग दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है क्लिनिकल और दूसरा प्रकार है सब क्लिनिकल। दोस्तों, क्लिनिकल प्रकार के थनेला में पशु के बावले में सूजन आती है और उसका कलर लालाश पड़ता हो जाता है। दोस्तों, इस रोग की ट्रीटमेंट में खराब हुए थन में पेंडिस्ट्रिन या फिर पेंडिजाइड जैसी ट्यूब को उतारना पड़ता है और साथ ही साथ शरीर में से संक्रामक बैक्टीरिया का असर खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाओं का इंजेक्शन भी देना पड़ता है। दोस्तों, इस रोग में एंटीबायोटिक्स के तौर पर उपयोग में आने वाली मुख्य एंटीबायोटिक्स जेंटामाइसिन या फिर एंड्रोफ्लॉक्सेसिन है जिसका 20 ml का डोज पशु को दिया जाता है। दोस्तों, इस रोग में अन्य दूसरी भी एंटीबायोटिक्स है जिससे भी ये रोग कंट्रोल में आ सकता है, उसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अगर हमें इस रोग में बावलों में सूजन जैसा दिखता है तो हम उस पर मेस्टिलेंट ऑइंटमेंट या फिर हिलंट ऑइंटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ हमें एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर एक पूरक इंजेक्शन बेलामिल या फिर प्लेक्सोवेट का देना होगा। बावले में सूजन के साथ साथ बावले में हो रहे दर्द को कम करने के लिए पशु को जोबिड इंजेक्शन या फिर टोल्फाइन इंजेक्शन का 20 ml का डोज देना पड़ेगा जिससे कि पशु को तुरंत आराम मिल सके। इस सारवार को हम पशु के रोग के मात्रा के अनुसार 3 से 5 दिन तक कर सकते हैं और ये ध्यान में रहे कि सारवार दरमियान हमें पशु का दूध इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस रोग के दूसरे प्रकार सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में रोग के लक्षण बाहर से दिखाई नहीं पड़ते मगर हम अगर दूध का टेस्ट करवाते हैं तो ये रोग को हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, आप इस टेस्ट को अपने नज़दीकी चिकित्सालय से करवा सकते हैं। इस टेस्ट में जो किट इस्तेमाल होती है वो है CMT टेस्ट किट। दोस्तों, अगर आप RMP इन्फो चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें।